तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और यहाँ पर मैं शुरू कर रही हूँ पराठों से। और पराठे जो कि मैं बना रही हूँ, वो बना रही हूँ मैं दाल के, और तवा भी मैंने रख दिया है क्योंकि आज मैं गरम गरम खिलाऊंगी पराठे। और वो भी सुबह में नाश्ता कर लिया था, लेकिन आज जल्दी फिर भूख लग रही है, छुट्टी का दिन है, तो मैंने सोचा शोहर जी भी ले जाएंगे साथ में वहाँ पर लंच के लिए, और बच्चों के लिए बना दूँगी मैं एक साथ। और ये छोटे छोटे पेड़े बना के मैंने रख लिए। और इसके अंदर मैंने दाल भर दी है खूब सारी, ढेर सारी, और उसके ऊपर से एक और जो ये छोटी सी रोटी ये मैंने बेली थी ये भी रख दूँगी। और हल्के हल्के हाथ से ये जो किनारे होते हैं ना ये प्रेस करने होते हैं, ताकि किनारे मोटे नहीं रहें, एकदम महीन रहें। दोनों हाथ चाहिए, एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ रखा है, तो अब मैं अभी रुकती हूँ ज़रा दो मिनट के लिए। और खूब अच्छे से बढ़ा ली मैंने, अब मैं एक ही हाथ से कोशिश करूँगी, देखते हैं एक हाथ से मैं ले पाऊँगी नहीं ले पाऊँगी। ले लिया, और इधर हो गया तवा भी गरम। ये पराठा रेडी है, और इसके अंदर डालूँगी मैं ऑयल। जब मैं बच्चों के पराठे बनाती हूँ तो ऑयल जो है ज़्यादा डालती हूँ, या मैं अपने लिए बनाती हूँ तो बहुत ही बस ऐसे बनाती हूँ ना के बराबर। और आज के ब्लॉग में क्या क्या बनाऊँगी, क्या क्या खाएंगे हम लोग, वो सब शेयर करूँगी मैं आपके साथ में। और वैसे जब तक ऑयल ना डालो ना, जब तक करारापन नहीं आता और सुरखपन नहीं आता पराठों में। और पराठे बना बना के ये चम्मच भी मेरा हो गया है काला। और जितना पराठे को दबा दबा के सेकेंगे ना, उतना ही अच्छा चित्तीदार बनता हमारा पराठा। और ये पराठा सिक गया है खूब अच्छे से। और ये पराठे में इधर क्या कर रही हैं, और इधर ये भी तैयार कर लूँ। जितना हम दाल भर के बनाएंगे ना, उतना ही पराठा क्या है टेस्टी बनेगा। और पराठे बनाना वैसे थोड़ा वो होता है, क्योंकि छोटे छोटे पेड़े बनते हैं, और पराठे बनाते मैं ब्लॉग बनाती हूँ मैं, तो थोड़ा सा मेरे लिए टफ हो जाता है, क्योंकि मोबाइल भी पकड़ना होता है, स्टिक मेरी ख़राब है, मंगाऊँगी स्टिक भी। और इतना टाइम हो गया मुझे ब्लॉग बनाते बनाते, तो अब तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि मेरे कोई हेल्पर के लिए कोई नहीं है, मैं सारा काम खुद ही करती हूँ। क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगों में देखते हैं सामान वामान सब तैयार करके देते हैं और सिर्फ वो बनाते हैं, तो मेरे साथ में ऐसा कोई सीन नहीं है, सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, ए से लेकर जेड तक सारे मैं खुद ही करती हूँ काम। और आप भी कह सोचते होंगे, कई लोग सब नहीं, कई लोग के पराठे में ज़्यादा बनाती हूँ। भाई जब मेरे बच्चे पराठे शौक से खाते हैं और मेरे शोर जी शौक से खाते हैं, तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगी। एक बार नहीं 10 बार बनाने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी में और शोर जी की खुशी में तो मेरी खुशी है, हैं। और काम में तो मैं वैसे भी मैं अलकस नहीं करती बिल्कुल भी। ये ऐसा नहीं है कि बच्चे और शोर जी, अगर कोई आने वाले भी मेहमान भी कह देते हैं हमें ये खाना है या वो खाना है या ये बना दो, तो मैं फ़ौरन ही बना देती हूँ। और मेरे तो इस हद तक ये क्रेज़ है कि मैं बना कर ले भी जाती हूँ घर पर, किसी किसी को सरप्राइज़ भी दे देती हूँ मैं, ऐसा नहीं है नहीं देती, लेकिन अब हाँ काफ़ी टाइम से अब किसी को भी सरप्राइज़ ऐसा नहीं देती मैं, खैर
क्योंकि अब बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, बहुत ही बिजी दिन जाता है बस। और ये है फाइनली लास्ट वाला पराठा, और इसमें देखो मैंने कम ऑयल लगाया है, तो ये देखो इतना चिट्टी दाल नहीं बना है। जितना ज़्यादा हम ऑयल लगाते हैं, घी लगाते हैं, उतना अच्छा बनता है पराठा, क्योंकि मैंने अपने लिए बनाया है तो तुम्हारे कम लगाया है मैंने। आज छुट्टी कल से, कल और आज और अगले 3 दिन और छुट्टी है, क्योंकि आज जन्माष्टमी है और कल लॉकडाउन लग जाएगा, लॉकडाउन आधा दिन लगेगा। और इनको तो खेलना ही नहीं आता, ये बात को तो है, बात आपको खेलना ही नहीं आता है। और नाम क्या है आपका? और लाइबा के दोस्त हो या हम फैज भाई के? तीनों का ही हो है, तीनों का ही हो। और ये यहाँ पर बच्चे कर रहा है एंजॉय छुट्टी। और ये देखो एक चीज़ और दिखाती हूँ, हमारे जीने देखो कितने ज़्यादा साफ हैं एकदम माशाल्लाह से, कि बच्चे भी खेल सकते हैं। देखो हम बगैर स्लिप तो हम लोग इतने साफ रखते हैं जीने अपने, और हमारा जो पड़ोस में आई है वो भी बहुत अच्छी आई है, वो भी साफ सफाई का ध्यान रखती हैं। लेकिन पूरी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा जूते चप्पल मेरे घर में होंगे। ये एक और छुटकू है, ये मछली जल की रानी है। कहाँ घूमते रहते हो है? मम्मा ने जहाँ दरवाजा खोला है तब बाहर आ जाते हो। और इनको यवाली अंगना, और यवाली अंगना एक ही लगती है छोटू को। और यहाँ पर फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने सोचा थोड़ा सा सामान भर लेती हूँ। मंगवाया था मैंने सामान, और सामान ये सब लेकर आए थे, शोर जी लेकर आए थे रात को ही, और टीवी की आवाज़ हो रही है बहुत देर से, कहती हूँ हल्की आवाज़। पहले चाय बनाती थी मैं, चाय की पत्ती ऐसा लगता था कि ख़त्म ही नहीं होती, महीने या 2 महीने में ख़त्म होती है। और आज के टाइम में चाय की पत्ती का इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, इतनी ज़्यादा चाय बनती है माशाल्लाह, यूँ ही ख़त्म हो जाती है चाय की पत्ती। और ये सबसे पहले मैं चाय की पत्ती भरूँगी, और उसके अंदर मैंने पानी की इलायची डाल रखी है। पता कब की डली हुई पानी की इलायची? काफ़ी दिन हो गए, लेकिन चाय जब मैं बनाती हूँ तो पानी की इलायची नहीं डालती हूँ, पानी की इलायची इसमें ही लेने देती हूँ ताकि कुछ भी हो जाए। और दूसरे नंबर पे ये गरम मसाला भी रखूंगी, और ये और का साबुत मिर्चे धनिया, और ये सब अभी मैं डालूंगी डब्बों में। और एक साबुत मिर्चे भी बहुत जल्दी खत्म होती है, अब मैं सोच रही हूँ इनकी डंडियाँ हटा के डालूँ या डंडे समेत डालूँ, क्योंकि बाई चांस कभी ऐसा होता नज़र भुगतान नहीं हो जाती है, तो वैसे मैं डंडिया की हटा ही दूँगी चलो, लेकिन अभी बात नहीं करूँगी, अभी पहले ये वाला सामान। और एक मैं सालन के अंदर सबसे ज़्यादा जो डालती हूँ, डालती हूँ जीरा और काली मिर्च, जलवाजी में तो मैं एकदम डाल के डाल देती हूँ, इतनी मैंने ली तो देखूँ कितनी आई मिल लेती हूँ जलवाजी में। और ये तो बहुत सारी हो गई है, बहुत सारी है। ये कहते हैं गिन के डाला करा करो 6 या 5। और मैं ज़्यादा डालती हूँ गरम मसाला, जो जो पसंद है वो गरम मसाला पसंद है। बात आप बोलो, मेरा मछली कौन मर्चों की चढ़ गई। अरे बच्चे तो शोर मचा रहे हैं, खेल रहे हैं। मसाले जब डालो टब्बों में खूब छीक आती है, तो छीकों की वजह से तो लगा।
और आजकल तो मैं बैठ के पानी पीती हूँ, सुकून मिलता है बैठ के पानी पीने से, और सबर आता है सबसे ज़्यादा ये, और बैठ के पीना भी चाहिए। तो मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, इस टाइम तो नहीं हो रही, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, लेकिन धूप का नाम नहीं है बिल्कुल भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक तो रोज़ की होती है कि क्या खाना बनाए क्या खाना बनाए, तो आज फाइनली मैं बनाऊंगी शामी कबाब। और ये ले लिए एक कटोरी भर के दाल, और दाल मैंने धो ली थी, ऐसा नहीं है नहीं धोई थी। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि हम खाना बनाए सफाई से और सुथराई से। उसके अंदर मैं डालूंगी ज़ीरा, उसके अंदर मैं डालूंगी काली मिर्च, और साथ साथ में मैं डालूंगी नमक, और उसके बाद में मैं डालूंगी साबुत मिर्च, और थोड़ी सी डालूंगी किसी भी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी एक चम्मच भर के, और ये मैं डालूंगी एक आलू जो मैंने दो कर लिए, और एक कटोरा भर के डाल दिया पानी, मटन जो कि मैंने धो लिया था छन्ने में करके रख दिया था, कपड़े निकाल लो बेटा, हमने कपड़े निकाल लिए, और इसे सब मिला के लगानी है अब सीधा। और ये एक डालिए प्याज, टूट गया दांत अल्लाह, अरे कहाँ चली, अरे मेरी पतरिया कहाँ चली, लाल अल्लाह बच्चे, अरे अल्लाह, और ये सारे दांत गए लाए बाकी तो मेरी बच्ची के, क्या कर रही है, अरे अरे अल्लाह अब तो बहुत ही खून निकला लाए बा तेरे तो मुँह से, हाँ अरे हरे लाए बा पीछे, और यहाँ पर लाए बा नमाज पढ़ रही माशाल्लाह से, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और चलो मैं इधर वापसी से आ गई, और ये देखें बिल्कुल परफेक्ट हो गई, परफेक्ट। उधर ये लाइव नमाज पढ़ रही है, और इधर ये मैं रख दूंगी ताकि हवा में ठंडा हो जाए। और ये ठंडा हो गया है, अब चलते हैं। ओ हो सबको क्या टेस्ट कराऊं मैं, जी नहीं जी नहीं, थोड़ा सा चेक कर बताऊंगा। हां मैंने खाया नहीं है तभी, तू खा के देखो, हां अब तो मना आती हूं, चल समझ ले, मैं खिलाऊं, ले ले दादा, बस 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 चलो जा। चलो इसे पीस लेंगे, और ये सारा कीमा मैंने पीस लिया है, इसके अंदर मैं डालूंगी हरा धनिया, हरी मिर्ची, बहुत ज़्यादा तेज वाली मिर्ची है, और प्याज, ऊपर कर, कितना का अंडा, छह का, और दही, दही ले दो, दही कितने की है, दस लो ये, और लाए पास मंगाए मैंने आटा, टॉफी, किसने कहा था टॉफी लाने को, ला आटा, मैं बोल रही थी कि दो में अच्छा करोगे टॉफी,
और यहाँ पर भी मैंने कबाब बना लिए माशाल्लाह से, कितने बढ़िया लग रहा है। और इनको टिक्की बनाने में अच्छा खासा टाइम लगा। और ये देखो हल्का सा कुचल लिया यहाँ से। और अब मैं मांगी रोटी, इधर साइड में रोटी, इधर रख दिया मैंने तवा, और इसके ऊपर मैंने डाल दिया ऑयल। और साथ साथ में मुझे क्या करना है, कबाब में इस पर सेकती रहूँगी और उधर रोटी भी बनाती रहूँगी, दोनों काम करूँगी एक साथ टू इन वन। और ये अंडा लेके इसे मैं फेंट लूँगी अच्छे से। और ये खूब अच्छे से अंडा भी फेंट लिया है। और ये मेरा बेलन भी ख़राब हो गया है, इसे बेलन को दूसरा लाऊंगी। अब इसमें क्या करना है, बिस्मिल्लाह, और इसमें हल्का सा कोट करूँगी मैं अंडा। और ये क्योंकि कबाब जितने हल्के आँच पे सिके होंगे उतने ही अंदर से क्रंची और करारे होंगे। और ये कबाब पे टिक्की मैंने एक साथ ही बना ली थी, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, मैं जल्दबाजी करके मैं ऐसे उठा लेती हूँ, बाकी उठा लेती हूँ तो वो कीमा जो होता है बचा हुआ वो हार्ड हो जाता है और वो बिल्कुल भी बनाया नहीं जाता, सच बताऊँ तो। और ये चम्मच आई थी मैं हटा लूँगी क्योंकि मुझे इससे हो रही है परेशानी। और कुकर वगैरह भी मैंने धो दिया है। और ये साथ साथ में मैंने जगह बना ली थी। और ये मैं अभी एक और आ जाएगा, इसको भी मैं डाल दूँगी क्योंकि पूरा तवा भर दूँगी माशाल्लाह, इतने बढ़िया लग रहा है। क्योंकि फिर मैं रोटी बनाऊँगी मेरा हाथ हो जाएगा गीला, और जब रोटी बनाओ तो हाथ गीला नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और ये मैंने बना लिए सारे पेड़े एक साथ, क्योंकि बहुत ही जल्दी स्पीड में बनाने वाली हूँ मैं रोटी। और तवा भी हो गया गर्म, और इधर ये भी थोड़ा सा और डालूँगी इसके अंदर ऑयल ताकि खूब अच्छे सिक जाए। ये देखें हल्के हल्के सिकते जा रहे हैं। और शामी कबाब शबाब पर आते जा रहा है, वाह सुबह। तो ये बनाए लाइवा ने बनाया होगा, ये लोग कर क्या रहे हैं अंदर। अरे अल्लाह क्या खाएगी। और इधर साथ साथ में रोटी बन रही है, कबाब भी बन रहे हैं माशाल्लाह से। और इधर अंदर बच्चे लड़ क्यों रहे हो, जब मैं खाना बनाती हूँ तो स्पीड पकड़ लेती हूँ, लेकिन ये बच्चे हैं ना मेरे पीछे लड़ते हैं क्या भी? फिर खा दूंगी ऐसे फिर। और किस किस को पसंद है कबाब और पराठा, या कबाब और रोटी, किस किस को पसंद है ऐसे सुरख सुरख कबाब। मैं तो ऐसी रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, शलजम गोश्त।
इधर से आके रहे। और ये कबाबों के लिए करूँगी मैं चटनी, उसके अंदर में डालूँगी हरा धनिया और तीन डालूँगी हरी मिर्च और उसके अंदर थोड़ा सा डालूँगी दही। फिर चुप हो जा और बनाते बनाते इधर शोहर जी भी आ गए हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, अब ये खा लेंगे गरम गरम। लीजिए खाइए खाना, ये लहसुन की चटनी है। उसके अंदर डालूंगी ये वाली दही वाली चटनी और थोड़ा प्याज और रेड वाली चटनी, लहसुन अदरक वाली। इधर बिस्मिल्लाह ये वाली डाल लो चटनी, कौन सी वाली अच्छी लग रही है, लहसुन की। बिस्मिल्लाह थोड़ी सी डालूंगी प्याज। कबाब खाते खाते तो मुँह में पानी आ रहा है। वाह मुझे लग रहा पकड़े सब बनाया हमने कबाब।